अरे भैया झगड़ा चल रहा है लेकिन हम कुछ दे रहे हैं। फिर आगे दूसर दूसर मुकदमा के कमरे में रुकना मुकदमा लड़का के नाम मुकदमा बन रहे नाम मुकदमा कुल घर उठावा ना देता था हमारे बच्चा घर जरिए जौनपुर वाला ना जमीन के बहुत हवस भैया पूरा जाके देख लिया वहाँ पीछे भी यहाँ आगे पूरा सड़क तक न कुल चाहता ना वो काले होते कुल दे दे उनका दूध भतीजा पड़ा था मैं कोचिंग वहाँ का लड़की को बता थी कि सर जी से पूछत रहा मैं कि नाबालिग अगर नाबालिग का हत्या करी तो कतल कहीं सजा हो सकल कतल कहना सजा ना बाल सुधार गृह भेजल जाला घटना में दो तीन दिन पहले पहले से लोग प्लानिंग बना रहे थे भैया का भाई स्कूल बैग दे लाना हैंडपम्प डेली यूज करता ना वो ऊपर के बोरा एकदम लगा के बांध देना वो भतीजवा के दौड़ा लेना स्कूल तक तो भागल सही फिर चलिए देख देखा तो सब जगह लेगा पर हथियार दौड़ल लड़का ओनाही लोगन के लखत रहा तब ने हथियार सुना पहले साल पीछे ये आईडी ऊपर क्या कर रहे हो यार फिर नीचे कर लो नया नया लड़का पूछो तो मतलब माइंड सेट कर लो ना कि तारे मार दे बस सजा ना हो प्लानिंग के साथ कर मन बड़ा ही हो गया जानत रहने को गरीब कुछ कह न पाई हमने जेल से छूट के चली आई तो कर मार दे बना दो चार साल में आगे चल जाए स्टेट लेवल ऑफिशियल खिलाफ तैयारी कर ली हुई है पैसा खिलाते हैं बहुत दर्दनाक घटना तो है पूरा प्रदेश इस घटना से हिल गया क्योंकि इस टाइप की घटना है झारखंड रहना और अपने लड़के में कोहरे पल्ले रहना बैठे हाजिरी बाबू को मान लोग बैठे जे ही के मान लोग रहना लाल कपड़ा कुछ ना बोलना पन्ना लगल की हूँ मार दे के का करबे करे लड़का तो स्टेट खेलता था जी अपन ऑफिशियली ना खेला ना लेकिन इंटरनेशनल खेला 15 साल वाले ने इंडिया नेपाल का
और मैं ओपन नेशनल खेल के नोएडा से आने वाला स्टेट लेवल ऑफिशियल खेल की तैयारी करवा रहा हूँ। पैसा ना रहा भैया ने कब तो हासिल रख ले तब हमारे नेशनल खेल लेकिन ना रहा तो नहीं अपने औकात नहीं जितना गोल करे रहा हमारे रहा वो चार साल पहले से नेशनल खेल रहा थे नहीं सभी लोग बता रहे करके होना अच्छा था गरीबी मैं देखे इस घटना से सभी लोग दुखी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस घटना से काफी आहत हैं। बाकी जो चुनाव चल रहा था नहीं तो आपके आने का उनका कार्यक्रम भी इसलिए चुनाव भी ये था कि 13 को खत्म हो जाएगा सारे कार्यक्रम पहले से डिसाइड थे और डेट ना बड़ी होती तो अब तक आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते बीच में हम लोग की बात हुई थी बताए थे चले जाना और हमारा संदेश दे देना हम लोग आपको दुखी हूँ पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ जहाँ भी कोई बात होगी हम लोग आपके साथ आपके साथ लेकिन घटना को बदल तो नहीं सकता है लेकिन जहाँ भी जरूरत पड़ेगी सभी समाजवादी पार्टी की आपके साथ ये मुकदमा चल रहा था तो सवेरे जब घटना हुई झगड़ा का तो प्रशासन प्रशासन को नहीं फोन किया गया सर फोन किया गया था प्रशासन एक घंटे बाद पहुंचा एक घंटे बाद जब कप्तान साहब के यहाँ फोन गया वो वहाँ से चले तब मुझे सवेरे झगड़ा हुई तो झगड़ा भी कुछ नहीं हुई बस अचानक दो तीन मिनट के अंदर अंदर पूरा वारदात खत्म हो गई कोई झगड़ा लफड़ा होता तो गांव वाले भी जुड़ जाते हैं सब लोग झगड़ा होता तो वो भी लाठी डंडा लेके गया होता पहले दो लोग प्लानिंग किए थे कि ये घर में से डायनामाइट निकला वो नहीं दिखाया गया मीडिया में उसको नहीं किया गया ग्रेनेड निकला है जो आर्मी के पास होना चाहिए वो ग्रेनेड निकला जो तीन वाला होता है अच्छा पिस्टल एक एक कट्टा 9-10 तलवारें गणासी सारी चीजें एकदम सब इनके घर से बरामद हुई झारखंड में रहते तो वहाँ से डायनामाइट लगा देते तो पूरा गाँव उड़ जाता हम तो थे नहीं यहाँ देखने वाले दिखाए बोरे में भर के एक पुलिस का जवान बोरे में भर के लेके जा रहा था 50 मीटर जाने में 3 बार रखा है इतना इतनी बड़ी बड़ी तलवारें थी ये थोड़ा नीचे नहीं नया मिलेगा लेकिन आपकी लड़ाई हम लोग भी लड़ेंगे सब लोग और मजबूती से लड़ेंगे और जहाँ भी जरूरत होगी सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे सुकून मिल जाए उम्मीद ना है घटना दिन आप कलकत्ते रहेंगे 15 दिन है जमीन का मुकदमा भी चल रहा पहले से मुकदमा चल रहा है वो तो 18-20 लोगों के ऊपर मुकदमा करके रखे हैं पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखे हैं सबको मान लीजिए मैं गलत था मैं दुश्मन था पूरा मोहल्ला ही गलत हो सकता है एक साथ नहीं दुश्मनी के मतलब थोड़ा बहुत लोगों का मुकदमा चल रहा है लेकिन इसका मतलब पूरे ने किसी की हत्या कर दी है उनके घर एक ना हम अपने लड़का के सिखाएंगे भैया कभी बेवजह ताकत प्रदर्शन किए करें हम आपको दे लेंगे मत करो हमारा लड़का एक थे लड़ाई झगड़ा कपो ना के लिए लेकिन ये अपने लड़कन के शिक्षा दे लेना तब ना कि नाबालिग है तो उन्हें मार दे बस कुछ ना हुई तब ना उन्हें जाँच पड़ताल करता है कि मर ले का भी समझता ना उन लोगों
को डर था कि लड़का ये खेलता अच्छा है, ये आगे अच्छा खिलाड़ी हो जाएगा तो नेम फेम भी बढ़िया होगा जी। सर साइको आदमी के गांव में रहा लाया था, तभी गिरफ्तारी कितने लोग की हो? सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जो थे 6 लोग गिरफ्तार हो गए, एक दो लोग भागे थे वापस सिलेंडर कर दिए थे। और इसके पहले जमीन का नाप के लिए अब कई बार दरख्वास्त दी गई है, सुनवाई नहीं। लेखपाल आते थे, कहते थे पहले तुम्हारा गिराएंगे, हमने कहा कि भैया गिरा दो, हमारा ही गिरा दो, लेकिन ये विवाद तो खत्म कराओ, उधर से पैसा लेके। फिर हम लोग थाने को, इससे पहले उसका भतीजा जो है सूरज, वो कट्टा लेकर तमंचा लेकर निकला था जब लहराते हुए, तो उसका वीडियो हम लोग बना के गौरा बादशाहपुर थाने पे दिए थे। राजा राम द्विवेदी जी पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए, उसको क्या ले गए थे कि नहीं, वो कुछ भी मालूम नहीं। उसी समय अगर ये आए होते, कार्रवाई हुई होती, बाकी मेरा बेटा यहाँ रहता ना। प्रशासन की लापरवाही है, अगर उसी समय एक्शन ले लिए होते तो आज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। प्रशासन की लापरवाही है, अपनी गरीबी। लेकिन लड़का आपको इतना होनहार था, 5-10 साल बाद वो आपका बड़ा नेम। अरे पापा टेंशन मत लो, 4-5 साल जाने तो पूरी दुनिया के लोग जानेंगे आपको, नहीं पता था कि इस तरह से जाने।